हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल 2-3 साल पहले इंडियन टीम के सबसे बेहतरीन स्पिनर थे, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। इस वजह से कुलदीप यादव इंडियन टीम से बाहर हुए। उसके बाद युजवेंद्र चहल भी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हुए। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में दोनों स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब आने वाले समय में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल एक साथ मैदान में उतर सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बयान दिया है कि भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच पहले वनडे मैच में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मौका मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दोनों एक साथ खेलते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर होगी, क्योंकि दोनों बहुत ही बेहतरीन स्पिनर हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय से दोनों टीम से बाहर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि